हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आशीष सैनी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। भैया आज 26 अप्रैल और टाइम हो रहा है अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं रेडी हूं अभी निकलने के लिए घर से, क्योंकि आज का प्लान है बहराइच जाने का और मंदिर दर्शन कराने के लिए जाना था। तो मम्मी और भाभी, अभिषेक, बच्चे, ये सब अभी लोग तैयार हो रहे हैं। सारे लोग इन लोगों ने कर दिया यार लेट, क्योंकि मैं जग रहा हूँ करीब अभी 3:30 से 4 बजे से मैं जग रहा हूँ सुबह से ही। और सबसे पहले नहा करके रेडी मैं ही हुआ हूँ। वैसे सीन क्या रहता है ना कि जब भी कहीं आना जाना होता है तो सबसे पहले जो नींद खुलती मेरी खुलती है, बाकी सारे लोग उठे हैं लेट। अलार्म सबके बज गए थे लेकिन सबने लेट कर दिया है। तो फिलहाल का सीन है तुरंत अभी कुछ देर में निकलना है, आधे घंटे में हम लोग भी निकल रहे हैं। चलते हैं, ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। और चलते हैं बहराइच पर भी मिलवाते हैं सबसे आज। तो गाइज अभी निकल चुके हैं सारे और अथर रोग आ करके नहाते हुए, नहाए हो कि नहीं नहाए हो बे? अच्छा हाय करो। कहाँ जा रहे हो? मंदिर। अच्छा बूढ़ी अम्मा के पास। यार धूप इतनी ज्यादा तेज पड़ रही है। एक्चुअली अब जिस डायरेक्शन में है ये पूरब साइड ही हम लोग चल रहे हैं, वो स्ट्रेट धूप आ रही है बिल्कुल सामने। देवांश चमक रहे हैं धूप में। गाइज अभी फ्यूल लेने के लिए रुके हैं सीएनजी का। ये न्यू पंप खुला है बाराबंकी रूट पर और अभी नया ओपन हुआ है ये। इस लौंडे को बहुत समस्याएं रहती हैं भाई। क्यों, इधर देखो क्या हुआ, क्या खा रहे हो, ये क्या है? इधर देखो, फोन में देखो, फोन में, फोन में देखो। ध्यान से क्या खा रहा है? अच्छा हमें नहीं दोगे? हमें दोगे? धन्यवाद। Flashing lights dance with fire in the night and wire. Watch the time pass us by. Here's this feeling lying. Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? Cause it feels... तो गाइस मंदिर पहुंच चुके हैं अभी और जस्ट ये सब लोग आ गए हैं। चलिए प्रसाद वगैरह लेते हैं, फिर दर्शन करते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। घर से पहले एक जगह और जाना है, दरगाह शरीफ। यहाँ की बहुत फेमस है, काफ़ी लोग हो सकता है आए भी हैं। और दरगाह शरीफ में बहुत टाइम बाद जाने वाला हूँ। तो सैयद सलार बाबा हैं एक, तो वहाँ भी जाना है। मंदिर आज शुक्रवार है एक्चुअली, तो यहाँ पे मेला भी लगा है, क्योंकि मेला हर शुक्रवार यहाँ पे एक छोटा सा जो स्थानीय क्षेत्रीय मेला है वो लगता है। और सारे लोग अभी, देवांश और हमारे मल्लू जो हैं सो रहे थे, अभी जग गए हैं। हाय करो। जग गए। Thank you.
रहा मरी माता मंदिर, और कई बार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इससे पहले भी एक दो ब्लॉग में आप मंदिर को देख चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। आज भी एकदम पास से माता रानी के दर्शन हो गए हैं। देवांश हमारे एक पॉलीथिन लेके बैठे हैं, दिखा रहा क्या है, देखो चुनरी वगैरह है, अभी इसमें नदी में डालना है। अथर्व अंदर से झांक रहा है, वो देखिए अथर्व दिख रहा है पीछे से, थोड़ा सा जूम करते हैं तो दिखा। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, ये मंदिर का जो पूरा एरिया है ना, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। अब दर्शन करने के बाद में छोटी छोटी सी दुकानें हैं प्रसाद की और सामानों की, ये जगह जगह पे इस तरीके से पूजा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, मुंडन करने के लिए, बच्चों के मुंडन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। एक ये बाबा सामने एक मुंडन हो रहा था तो हारमोनियम वगैरह बजा रहे थे, इधर ढोल ताशे वगैरह ले करके लोग बैठे हैं, बाकी कुछ लोग यहाँ पे अपनी चुन्नी वगैरह बांधते हैं, इनसे मन्नत वगैरह होती है। ये मेरे हिसाब से हाँ हवन कुंड वगैरह टाइप का कुछ लग रहा है यहाँ पे, हाँ हवन कुंड है यहाँ पे, और ये थान बने हुए हैं छोटे छोटे से। अभी दर्शन करके सब आ चुके हैं। क्या हुआ क्या हुआ, चलो इधर देखो, सब लोग देख रहे हैं तुमको, जय करो जय करो। अभी परिक्रमा हो रही है मंदिर की, जो यहाँ पे करीब 5 से 7 परिक्रमा करनी है सभी को। तो मेले में ये भैया जो है भुट्टा, सीजन का पहला भुट्टा अभी हमें दिख गया है यहाँ पे, ज़बरदस्त होते हैं बहराइच के भुट्टे। क्यों, यहाँ का भुट्टा खास है, लखनऊ में हम लोग ढूंढते हैं बहुत कम मिलता है इस तरीके का, जिस तरीके से देख रहे हैं ये बाकायदा छिलकों के साथ जो है भुने जाते हैं, और टेंडर देखिए पूरा जो कलर है गज़ब का। और ख़ास तौर पर इसको सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है ये मसाले वाली चटनी, इसमें कई तरीके के मसाले हैं भाई। हमारे बाबा इस तरीके की चटनी बना कर मतलब ले करके आते थे भुट्टों के साथ, याद है हमें बहुत अच्छे से। यहाँ पे एक मंदिर इधर है बजरंगबली का बैक साइड में। तो अभी भैया से हम भुट्टा वगैरह बनवा रहे हैं, पहले एक बनवा रहे हैं क्योंकि मम्मी ने बोला था कि भुट्टा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और फिलहाल मुझे दिख गया था तो मैंने इसको ब्लॉग में भी ले लिया, और भैया से एक भुट्टा हम ले भी ले रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? बाबू पाठक। नान बाबू पाठक, बहुत बढ़िया। यहीं के रहने वाले हैं बहराइच के? हम भी यहीं के हैं भैया। एक मिनट, तो भैया भुट्टा हमारा रेडी कर दिए हैं, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस बिट्टू हमारी आ गई, देखते ही पहचान गई तुरंत आशीष चाचू, और यहाँ इनका मुंह बन गया है। क्यों बिट्टू को ले लिया है ना, इनका मुंह बन गया, देखिए क्या हाय कर दो, अब हाय कर दो। ये अमायरा, ये अमायरा है अमायरा, इनसे मिलिए आप अमायरा। इधर हाय कर दो, इधर हाय कर दो, इधर कर दो जरा। बिट्टू ने हाय किया, बैठो। ये भी बड़े वाले भैया की बेटी है, और ये आमू है, ये आमू है। मल्लू जो है खिसिया गए हैं भाई, बहुत गंदा वाला। तो गाइज हमारी बिट्टो ने लगाई है आज अपने हाथ में मेहंदी, और ये मेहंदी इन्होंने लगाई है खुद से, देखें। हाँ ये देखिए गाइज कितनी बढ़िया सुंदर सी मेहंदी, और ये है आर्ट, ये है आर्टिस्ट। तुमने लगाई है, आता है, किसने सिखाया तुम्हें? अच्छा बहुत बढ़िया है भाई।
एक ये है छोटा उस्ताद, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ओए आओ आओ आ जाओ। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग हैं अभी गणेशपुर के पास में, अभी रुके हुए हैं ढाबे पर चाय वाय पीने के लिए। यार बहुत ज़्यादा बिजी रूट है इस टाइम पे इस तरफ का, और ये एक बार फिर से उसी ढाबे पे जहाँ हम लोग हर बार रुकते हैं, हमारा ढाबा आशीष ढाबा, ये हमारा अपना ढाबा है ऐसा आप लोग महसूस कर सकते हैं। और ये चिलगोजा, कहाँ जा रहे हो? हाँ कहाँ जा रहे हो? ये लो खा लो। मिल गया, मिल गया। क्या खा रहे हो? खाओ खाओ, दयांश को दिखाओ, दयांश को, दयांश को। बदतमीज,